प्रश्न चार। एक आयताकार फर्श की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो आयताकार आयताकार फर्श की आयताकार फर्श की लंबाई बराबर है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। और चौड़ाई 4 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो अतः क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आयताकार फर्श है यानी आयत के जैसा है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 5। चौड़ाई है 4। यानी 5 × 20 वर्ग मीटर। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल हो गया 20 वर्ग मीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को बिछाया गया है। तो लिखेंगे अब वर्गाकार गलीचे की भुजा बराबर 3 मीटर। वर्गाकार गलीचे की भुजा बराबर 3 मीटर दिया हुआ है। वर्गाकार गलीचे की भुजा कितना है? 3 मीटर है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अतः क्षेत्रफल, तो वर्गाकार गलीचा है यानी वर्ग के जैसा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा। तो वर्गाकार गलीचे की भुजा है 3 मीटर, तो 3 × 3 कर देंगे यानी कितना आ गया? 3 × 3 = 9 वर्ग मीटर। ठीक है। तो वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल हो गया 9 वर्ग मीटर। कितना हो गया? 9 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो लिखेंगे अतः फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल जहां गलीचा नहीं बिछा है, तो क्या करेंगे? 20 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग मीटर को घटा देंगे। तो कितना आ गया? 11 वर्ग मीटर। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 11 वर्ग मीटर। यानी फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल जहां गलीचा नहीं बिछा है क्या होगा? 11 वर्ग मीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल में से वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो फर्श का क्षेत्रफल कितना आया है? 20 वर्ग मीटर। ठीक है। उसके बाद
गलीचे, वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल आया है 9 वर्ग मीटर। तो वर्गाकार गलीचे को फर्श पे बिछाया गया है, यानी 9 वर्ग मीटर वो जगह ले रहा है। तो फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना था जहाँ, तो इसका उत्तर आएगा 11 वर्ग मीटर। प्रश्न 5। 5 मीटर लंबी तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई गई हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार आयताकार भूखंड की लंबाई लंबाई कितना है? 5 मीटर। और चौड़ाई है 4 मीटर। चौड़ाई कितना है? 4 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल, अतः क्षेत्रफल, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आयताकार भूखंड है यानी आयत के जैसा है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 5, चौड़ाई है 4, यानी मीटर में है, तो 5 × 20 वर्ग मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों मीटर में है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर। तो 20 वर्ग मीटर हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है, आयताकार भूखंड का। अब क्या कह रहा है? 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई गई है, ठीक है, 1 मीटर भुजा वाली, तो लिखेंगे यहाँ पे, तो वर्गाकार फूलों, वर्गाकार फूलों वर्गाकार फूलों की एक क्यारी की भुजा बराबर 1 मीटर। तो वर्गाकार फूलों की एक क्यारी की भुजा कितना है? 1 मीटर। अतः क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वर्गाकार है यानी वर्ग के जैसा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना है? 1 मीटर, यानी 1 × 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 × 1 एक, यानी 1 वर्ग मीटर आ गया। तो एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे अतः 5 क्यारियां का क्षेत्रफल, 5 क्यारियां का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 1 वर्ग मीटर।
यानी कितना आ जाएगा, 5 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 5 क्यारियां बनाई गई है वर्गाकार फूलों की, तो एक क्यारी का क्षेत्रफल हम निकाल दिए हैं 1 वर्ग मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर भुजा दिया हुआ है, तो 1 गुना 1 कर देंगे तो आ जाएगा 1 वर्ग मीटर एक क्यारी का क्षेत्रफल। तो 5 क्यारियों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 वर्ग मीटर। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि भूखंड का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः शेष भाग शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 20 वर्ग मीटर माइनस 5 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 15 वर्ग मीटर। तो भूखंड का शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 15 वर्ग मीटर। देखिए 20 वर्ग मीटर क्या आया है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आ गया है 20 वर्ग मीटर। तो आयताकार भूखंड में 5 वर्गाकार फूलों की क्यारी लगाया गया है, तो एक क्यारी का क्षेत्रफल है 1 वर्ग मीटर। तो 5 क्यारी का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 वर्ग मीटर, और भूखंड का क्षेत्रफल है 20 वर्ग मीटर। तो 20 वर्ग मीटर में से 5 वर्ग मीटर को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 वर्ग मीटर। तो इसका उत्तर होगा 15 वर्ग मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे।